प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है वैसे, ये कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। सत्तर दिन पहले कन्याकुमारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे वो यात्रा लहराएगी। तकरीबन 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, 120 दिन 125 दिन लगने चाहिए, पैदल यात्रा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। युवाओं से बातचीत हो रही है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, उनसे बात हो रही है। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, सब जगह लाखों लोग आ रहे हैं। ये टीवी वाले इतना दिखाते नहीं हैं, मगर नदी सी है। रोज 5:30 बजे लोग आते हैं, 6 बजे हम शुरू करते हैं, 8 बजे रात को, 7:30 बजे रात को यात्रा खत्म होती है। अजीब सी बात है, थकान बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, जनता की शक्ति हमारी मदद कर रही है। दुख इस बात का है कि यह यात्रा गुजरात से नहीं निकली। बड़ी खुशी हो रही है मगर दुख भी लग रहा है। युवाओं से बात करते हैं, हजारों युवाओं से मैंने बातचीत की है, हर 5-10 मिनट कोई युवा आता है अपने सपने के बारे में मुझे बताता है। कोई कहता है इंजीनियर बनना था, सालों पढ़ाई की, सपना देखा था कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, आज मजदूरी कर रहे हैं। कोई कहता है डॉक्टर बनना था, शिक्षा के पैसे दिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाखों रुपए दिए,
आज उबर की गाड़ी चलानी पड़ रही है, पिज्जा डिलीवर करना पड़ रहा है। किसान से बात करो, सवाल पूछते हैं, राहुल जी हमें बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। हमने क्या गलती की? हम 50,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, 1,00,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता? उन्हें जब वो कर्जा वापस नहीं देते तो उसे वो सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर जब किसान 50,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहलाया जाता, उसको डिफॉल्टर कहलाया जाता है। यह सवाल किसान पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना में पैसा डालते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, खेत बर्बाद हो जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता। फोन लगाते रहते हैं, नंबर से कोई जवाब नहीं देता, मेल भेजते रहते हैं, इंटरनेट पे मेल भेजते रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। ये सब सुनकर काफी दुख होता है। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और मैंने बोला, देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और ये गुजरात जो आपका प्रदेश है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का ये सेंटर है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये जो छोटी कंपनीज हैं, मिडिल साइज कंपनीज हैं, और आपके लोग सिर्फ गुजरात में नहीं चलाते, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हो, यही तो देश को रोजगार देती हैं। ये जो अरबपति हैं 2-3, ये रोजगार नहीं देते हैं। जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो रोजगार देते थे। क्या हुआ? सरकार ने नोटबंदी की, आपसे कहा था काला धन मिटा देंगे, काला धन नहीं मिटा। मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस बंद हो गए। फिर गलत GST लागू की, 5 अलग-अलग टैक्स, हर महीने फॉर्म भरो, जो बचे थे वो भी खत्म हो गए।
रास्ता साफ करना था, अरबपतियों के लिए रास्ता साफ करना था। कोरोना के समय भी वही किया। मुझे याद है हिंदुस्तान के मजदूर, किसी ने, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते थे वो चिल्ला रहे थे, हम बर्बाद हो गए, नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई, उसके बाद कोविड आया, मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं दी। ये पॉलिसियां नहीं है, ये नोटबंदी, ये गलत, ये जीएसटी, कोविड में जो इन्होंने किया, ये पॉलिसी नहीं है, ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों के खिलाफ ये हथियार है, इनको खत्म करने के हथियार है। और जो हिंदुस्तान के दो तीन बड़े अरबपति हैं जिनको आप जानते हो, उनके लिए रास्ता साफ करने के हथियार है। वो कोई भी बिजनेस चलाना चाहे चला सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। टेलीकॉम बिजनेस करना है तो टेलीकॉम में घुस जाएंगे, एयरपोर्ट में घुस जाएंगे, पोर्ट्स में घुस जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, जो भी ये करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, महंगाई सही है, और उसके बाद इंजीनियर मत बनिए, बनिए मजदूरी कीजिए। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे पब्लिक सेक्टर में, उनको नौकरी मिल जाती थी, आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पीएचईएल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑयल कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है, उन्हीं दो तीन उद्योगपतियों को। यह आपकी पूंजी है, यह आपका धन है। पब्लिक सेक्टर में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, सरकार में लाखों पोजीशन खाली है, तो आप एक तरफ बेरोजगारी को सहते हो, दूसरी तरफ महंगाई। यूपीए के समय पेट्रोल 60 रुपए का होता था, आज 100 रुपए से ज्यादा का है। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, आज कितने का है, 1100 रुपए का है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, वो जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं,
और दूसरा हिंदुस्तान की गरीब जनता का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, न्याय का हिंदुस्तान चाहिए। और भारत जोड़ो हम जो शुरू किए हैं उसके पीछे सोच आपकी है, गुजरात की है, महात्मा गांधी जी की है। ये हमारी ये नई चीज नहीं कर रहे हैं हम। रास्ता हमें गुजरात में दिखाया था, महात्मा गांधी जी ने दिखाया था, सरदार पटेल जी ने दिखाया था। आपसे ही सीख के हम ये तपस्या कर रहे हैं, जनता की आवाज सुन रहे हैं। 7-8 घंटे हम चलते हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं, किसानों की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, गले लगते हैं उनसे, मजदूरों से। और 7-8 घंटे चलने के बाद कभी 10-11 घंटे हो जाते हैं, हम 15 मिनट अपनी बात रखते हैं। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतना प्यार दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।